देखिए ये सुकम सोलर ईपीएस है हाइब्रिड, आपका प्योर साइन वेव 1000 बीए का है। इसका फॉल्ट था पहले ये दो, देखिए यहाँ पे चार चार आटो मॉस्फेट खराब था, तो हम लोग आटो मॉस्फेट इसको बदल दिया नया। और आपका देखिए यहाँ पे एक आईसी है, गेट आईसी यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये जो गेट आईसी है आपका 7390, एक गेट आईसी खराब था, चारों मॉस्फेट और चार चार आठ मॉस्फेट और ये गेट, तो ये ख़राब था, इसको बदल दिया। ये जो कनेक्टर है आपका देखिए यहाँ पे, ये कनेक्टर जला हुआ था, इसको भी बदल दिया। और आपका यहाँ पर स्विच ख़राब था, ठीक है। और पहले आपका इसमें रीडिंग आपका गेट पल्स आएगा, इसमें देखिए नेगेटिव साइड में आपका 5 वोल्ट करीबन आएगा और पॉजिटिव साइड में आपका 10 वोल्ट करीबन आएगा ऑन करने के बाद, ठीक है। तो इसका यही फॉल्ट था, तो हम लोग इसको चेक करा के आप लोग को दिखा देते हैं। पहले ऑन करते हैं, देखिए लॉन्ग बीप आएगा, देखिए आया लॉन्ग बीप। ऑन करते हैं, देखिए देखिए ऑन हो चुका है, फैन भी घूम रहा है, देखिए आउटपुट भी लगा हुआ है 200 वाट का। मेंस देते हैं, देखिए 200 वोल्ट, ठीक है। देखिए मेंस दे दिए, देखिए मेंस आ चुका है, चार्जिंग भी ब्लिंक कर रहा है, देखिए देखिए चार्जिंग भी ब्लिंक कर रहा है। एम्पियर भी देख लीजिए आप, एम्पियर भी आपका सही है, 14 एम्पियर में चार्ज हो रहा है 14.45 में। तो यही फॉल्ट था इसका, 8 मॉस्फेट और आपका एक गेट एसी खराब था। ये वाला आपका गेट एसी ओके था, इसमें जो है ये ओके था, यही खराब था। तो इसमें आपका पहले मॉस्फेट था 100E, ठीक है। तो इसका बदले हम यहाँ 105 ये यूज़ किया हूँ, ओके चल रहा है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चल जाता है ये 105। तो देख लीजिए ये इसका इन्वर्टर, सुकेम सोलर हाइब्रिड है।